हेलो दोस्तों, आपका निकेत वापस आ गया है एक और नई कहानी के साथ। आज की सुबह मेरे लिए काफी अलग थी। पता नहीं क्यों मुझे आज सब कुछ बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्योंकि मुझे बहुत दिनों बाद अपने गांव जाना था। मेरा गांव बिहार के एक छोटे से गांव में पड़ता है। गांव में मेरे बड़े पापा के बेटे की शादी थी। शादी 20 दिन बाद थी, पर मैं आज ही गांव जाने वाला था। मैं दिवाली के बाद गांव गया ही नहीं था, तो मैं गांव जाने के लिए काफ़ी उत्सुक था। मैं गांव गया, वहां गया तो मुझे याद आया कि मैंने शादी के लिए तो कपड़ा खरीदा ही नहीं है। तो मैं अगले दिन अपने गांव के बाजार में गया, सोचा कि वहीं एटीएम से पैसे निकाल कर फिर कपड़े खरीद लूँगा। पर मैं बाजार में देखा तो मेरे बाजार में एटीएम तो था ही नहीं। तो मैं अपने बैंक के होम ब्रांच में चला गया। मैं वहां गया तो देखा कि बैंक में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, पैसे निकालने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। मैं अंदर जाकर इधर उधर देखा, तभी मेरी नज़र एक अंकल पर पड़ती है। उस अंकल को देख मैं थम सा गया। अंकल दिखने में काफ़ी हैंडसम थे। उस अंकल को देख मैं सब कुछ भूल गया। अंकल को देखा तो लगा कि अंकल कोई बहुत बड़े आदमी है, क्योंकि बैंक का मैनेजर उनके पास आकर बात कर रहा था, उनसे बैठने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। उस अंकल को बार बार देखने का मन कर रहा था और मैं खुद को उनको देखने से रोक ही नहीं पा रहा था। अंकल ब्रांच मैनेजर से बात करते करते उनके कैबिन में चले गए। मैंने सोचा कि पैसा निकलते रहेंगे, पैसे तो वैसे निकल जाएंगे कभी भी, इतना स्मार्ट अंकल फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो मैं उसी तरफ चला गया और मैनेजर के कैबिन के बाहर से साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि ट्रांसपेरेंट शीशा लगा हुआ था और गेट के सामने चेयर भी रखी हुई थी। मैं गया और उस चेयर पर जाकर बैठ गया। मैं बैठकर उस अंकल को ही देख रहा था, मैं बार बार देख रहा था। तभी उस अंकल की नज़र भी मुझ पर पड़ी। उन्होंने भी देखा कि मैं उन्हीं को देख रहा हूँ। वो अंकल भी अब बात करते करते मेरी तरफ देख लिया करते थे। अगर वो अंकल एक बार देखकर फिर वापस नहीं देखते, तब तो ये कन्फर्म हो जाता कि अंकल को मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं भी शायद वहाँ से चला जाता। लेकिन वो अंकल भी अब मुझको कभी कभी देख रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद बात आगे बढ़ सकती है। तभी वो अंकल कैबिन से बाहर निकले और मेरी तरफ एक बार देखे, फिर जाने लगे। फिर पता नहीं क्यों पर अचानक वो पीछे आकर मेरी ही चेयर पर बैठ गए और कुछ पैसे गिनने लगे। पैसे गिनकर फिर वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए, मैंने भी मुस्कुराया। मैं अंदर से बहुत कांप रहा था, मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो अंकल बहुत बड़े आदमी लग रहे थे। तभी उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ घर है। मैंने बोला रामनगर। तो बोले अच्छा, रामनगर में किधर। तो मैंने फिर अपने पापा का नाम बताया, तो अंकल मेरे पापा को जानते थे। वो मुझसे पूछने लगे कि आप कहाँ रहते हो, आपको तो कभी गांव में मैंने देखा नहीं। मैंने सब बातें बताई उनको। फिर वो पूछे कि यहाँ कोई काम है क्या। तो मैंने बोला कि मुझे पैसे निकालने थे, लेकिन लाइन इतनी लंबी है, मुझे खड़े होने का मन नहीं कर रहा है, तो बैठ कर इंतज़ार कर रहा हूँ, लाइन थोड़ी कम होती है, तो मैं जाकर फिर पैसे निकालूंगा। अंकल बोले कि कोई बात नहीं, आप चलिए मेरे साथ, मैं मैनेजर को बोल देता हूँ, वो पैसे निकाल कर आपको तुरंत ही दे देगा। तभी मैं डरते ही डरते अंकल से पूछा कि अंकल आप क्या करते हैं। तो वो मुस्कुराते हुए बोले कि मैं आप ही के क्षेत्र का मुखिया हूँ, आप मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम ओपी सिंह है, आपके सब घर वाले मुझे जानते हैं। मुखिया बिहार में प्रधान को बोला जाता है, कई जगह सरपंच भी बोलते हैं। हाँ, तो अंकल मुझे लेकर मैनेजर के कैबिन में गए और मैनेजर से बोले कि इस बच्चे का पैसा निकाल दीजिए। तो मैनेजर अंकल तुरंत मेरा फॉर्म लिए और वो कैशियर को देकर मेरा पैसा तुरंत ही निकाल दिए। मैं अंकल के साथ मैनेजर के कैबिन से बाहर निकला। मैं अंकल को कुछ बोलता, उससे पहले एक आदमी आया और मुखिया जी यानी को अंकल उनके साथ चले गए। मेरे दिल में बहुत इच्छा थी, मैंने तो सोचा था कि ढेर सारी बातें करूंगा मैं
उनको थैंक यू बोलूँगा, लेकिन शायद किस्मत में बस इतना ही था। मैं उनके पीछे पीछे जाने की बहुत कोशिश किया तो देखा कि वो अपने गाड़ी में बैठकर चल दिए। मन बहुत उदास हुआ, एक पल में इतना खुशी मिला, फिर वापस चला भी गया। मैं उदास मन से घर आ गया, मैंने तो कपड़े भी नहीं खरीदे। मैं उस दिन रात भर सो नहीं पाया, पूरी रात उन्हीं के बारे में सोचता रहा, उनकी एक झलक देखने को तरस रहा था मैं। वो अंकल अक्सर मेरे घर के तरफ आते थे, पर जब से मैं उनको देखना चाह रहा था वो इधर आ ही नहीं रहे थे। एक दिन मैं अपने गांव के चौक पर अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा होकर बातें कर रहा था, तभी वहां पर मुखिया अंकल की गाड़ी आकर खड़ी हुई। क्योंकि मेरे दोस्त गांव में ही रहते थे तो मुखिया अंकल को बहुत अच्छे से जानते थे, मुखिया अंकल भी उन लोगों को जानते थे। मुखिया अंकल ने गाड़ी रोककर सब लड़कों से बातें करने लगे। सब लड़कों ने नमस्ते किया पर मैंने कुछ बोला ही नहीं। मुखिया अंकल मेरे तरफ देख रहे थे पर वो भी कुछ नहीं बोल पाए। शायद वो कुछ बोलना भी चाह रहे थे पर बोल नहीं पाए। मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगा कि मैं जिससे प्यार करता हूँ, जिसकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहता हूँ, मैं उनसे बात तक नहीं कर पाया। मुखिया अंकल फिर वहाँ से चले गए और हम लोग वहीं पर बातें कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ। लगभग आधे घंटे बाद मुखिया अंकल उधर से लौट रहे थे, तब तक हम लोग वहीं पर खड़े थे। तो वापस हम लोग के पास रुके और वो कुछ मिठाइयों का डब्बा लाए हुए थे। हम लोग चार दोस्त खड़े थे वहाँ पर, सबको एक एक डब्बा मिठाई दिए और वो मेरी तरफ इतने प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे कि मैं तो उनके प्यार में और खींचा चला जा रहा था। और फिर मुखिया अंकल वहाँ से चले गए। वो मेरे दोस्तों के सामने ऐसा कुछ नहीं बोले कि हम लोग पहले मिल चुके हैं या फिर पहले हमारी बात हो चुकी है। जब वो चले गए तो मेरे दोस्त बोलने लगे कि क्या बात है, आज मुखिया जी तो मिठाई खिला रहे हैं। तभी मुझको लगा कि शायद ये मेरे लिए लाए हों और किसी को शक न हो इसलिए सबको दिए हों, क्योंकि इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कि गांव का मुखिया जी किसी लड़के को कुछ खिलाए पिलाए हों। मैं अब उनसे मिलने का सोचने लगा पर कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर कैसे मिलूं मैं उनसे, कैसे शुरुआत करूं। और मेरे पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं था क्योंकि शादी के बाद मुझे वापस शहर भी जाना था। मुखिया अंकल का नंबर तो बहुत ही आसानी से मिल जाता क्योंकि गांव के वो मुखिया थे तो सबके पास लगभग नंबर था ही उनका, लेकिन अगर मैं नंबर ले भी लेता तो क्या कर सकता था मैं। अगर कॉल भी करता तो मैं क्या बोलता उनको, इस वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। शादी का कार्ड अभी कुछ लोगों का देना बाकी रह गया था तो मेरे बड़े पापा ने मुझसे बोला कि अनिकेत तुम चलो बाइक चलाना, मैं पीछे बैठूंगा और बहुत जगह कार्ड अभी बांटने हैं तो कार्ड हम लोग बांट कर फिर शाम को वापस हो जाएंगे। मैं चला गया, पूरा दिन हम लोग ने कार्ड बांटे, सभी रिश्तेदार को कार्ड दे दिए हम लोगों ने। आते आते शाम हो गई थी, हम लोग बाइक से गए हुए थे, आखिरी कार्ड मुखिया अंकल को देना था। मुझे पहले नहीं पता था कि ये कार्ड हम लोग को मुखिया अंकल को भी देने जाना है। ये बात जब मुझे पता चली तो मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकता। जैसे जैसे मैं मुखिया अंकल के घर के तरफ बढ़ रहा था मेरी दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कना शुरू कर चुका था। उनके घर पहुँचने के थोड़ा दूर ही पहले पता नहीं मेरी आँख में कुछ पड़ गया तो मेरा आँख बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि अब तो हम लोग पहुँच ही गए हैं तो वहीं जाकर खड़ा होकर निकालूंगा जो पड़ा हुआ। हम लोग मुखिया अंकल के दरवाजे पर पहुँच गए। मैं वहाँ देखा तो मुखिया अंकल और दो लोग और घर के बाहर ही कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे। मैं तो मुखिया अंकल को देखते एकदम खुश हो गया। मैं बाइक लगाया, मेरे बड़े पापा बाइक से उतर कर और वो मुखिया अंकल के पास चले गए। मुखिया अंकल ने नमस्ते किया, बोले आइए बैठिए ना। वो जो दोनों लोग बैठे हुए थे वो लोग उठकर कहीं चले गए। मेरे बड़े पापा और मुखिया अंकल दोनों कुर्सी पर बैठकर आपस में बातें करने लगे
और मैं इधर खड़ा अपनी आंखें मसल रहा था। मुखिया अंकल बोले कि अनिकेत वहाँ क्यों खड़े हैं। मुखिया अंकल को मेरा नाम अभी तक पता था, मैंने बैंक में बताया जो था। वो मेरे बड़े पापा से भी बोले कि मुझे मिला था अनिकेत बैंक में। मैं वहाँ गया तो मुखिया अंकल पूछे कि क्या हुआ आँख में। मैंने बोला कि पता नहीं कुछ पड़ गया है आँख में। तो मुखिया अंकल बोले कि अंदर बेसिन है, पानी से आँख को धो लीजिए, निकल जाएगा। मैंने पूछा कहाँ है, तो मुखिया अंकल बोले कि आइए मेरे साथ। वो आगे आगे चल रहे थे, मैं उनके साथ साथ पीछे पीछे चल रहा था और मेरे बड़े पापा बाहरी कुर्सी पर बैठे हुए थे। मुखिया अंकल ने रुमाल निकाला और मेरी आँखों से कचरा निकालने लगे। जब मुखिया अंकल ने मुझे पकड़ा तो मैं मानो आसमानों की सैर कर रहा हूँ। मुखिया अंकल ने मेरी आँख से कचरा निकाल दिए और मुझको गले लगाकर मेरा पीठ थपथपाते हुए बोले कि गाड़ी हेलमेट लगाकर चलाया कीजिए। मुखिया अंकल बोले कि ये रुमाल भी अब आप रख लीजिए। मैं मुस्कुराने लगा, मुखिया अंकल भी मुस्कुराते हुए बाहर चले आए। फिर हमारे लिए चाय नाश्ता मंगवाए, हम लोगों ने शादी का कार्ड दिया। शादी 3 दिन बाद था, फिर हम लोग वहाँ से चले आए। बीच में कभी फिर मुलाकात हुई नहीं। शादी वाले दिन मैं तैयार हो रहा था, मुखिया अंकल के लिए मैं तैयार हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुखिया अंकल मेरे लिए ज़रूर आएंगे। मैं पूरा तैयार होकर मुखिया अंकल के इंतज़ार कर रहा था। सब लोग शादी में व्यस्त थे पर मैं तो अपने प्यार को ढूंढ रहा था। मुझसे अगर कोई किसी काम के लिए भी बोलता था तो मैं बहाने कर देता था। मुझे इस बात का डर था कि कहीं मैं यहाँ से हटा और मुखिया अंकल आकर चले गए तो मुझे बहुत बुरा लगता। मेरी निगाहें गेट के तरफ ही थी। जैसे जैसे लोगों का आने का समय हो रहा था मेरी दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया था। तभी मेरी नज़र मुखिया अंकल पर पड़ी। क्या लग रहे थे, एकदम हीरो जैसे, मानो कोई सामने से हीरो ही आ रहा हो। उनके साथ उनका ड्राइवर और एक आदमी भी थे। वो लोग आए और आकर बैठकर कुछ लोगों से बातें करने लगे। मैं उनके पास जाने में अब और देर नहीं कर सकता था। मैंने तुरंत नाश्ता लिया और उनके पास चला गया। उनको नमस्ते किया, उनको नाश्ता कराया। फिर उन्होंने मुझको थोड़ा अलग बुलाकर और मुझको 5500 रुपये दिए और बोले कि मेरा 5100 रुपये लिखवा दीजिएगा। नाम तो आप जानते ही हैं ना। मैंने बोला हाँ, और लिखवा कर मेरे पास कॉल कीजिएगा। मैंने बोला मेरे पास आपका नंबर नहीं है। वो बोले कि मेरा नंबर आपके पास नहीं है, मुझे लग रहा था कि आपके पास होगा। तो उन्होंने अपना नंबर दिया, मैं गया उनका शगुन के पैसे लिखवाया और बाकी के 400 रुपये देने के लिए मैं गया तो मैंने देखा कि मुखिया अंकल वहाँ पर दिख ही नहीं रहे हैं। पहले तो मैं बहुत उदास हो गया, मुझे तो लगा कि मुखिया अंकल चले गए। पर मैंने देखा कि उनके साथ जो 2 आदमी थे वो अभी पर वहीं पर बैठे हुए हैं। तो मैंने उनको कॉल किया तो मुखिया अंकल बोले कि कौन। मैं बोला अनिकेत बोल रहा हूँ मैं, आप कहाँ हैं। तो बोले कि मैं अपने गाड़ी के पास हूँ, आप यहीं आ जाइए ना। उन्होंने जगह बताई, मैं वहाँ पर गया तो मुखिया अंकल अपने गाड़ी में अंदर बैठे हुए थे। मैं गया तो बोले कि आइए ना, अंदर आकर बैठ जाइए। तो मैं अंदर गया और जाकर अंदर ही बैठ गया। मैं उनको बाकी का बचा हुआ पैसे दे रहा था पर वो लिए ही नहीं, बोले रखिए इसको। फिर मुखिया अंकल बोलने लगे कि एक कॉल आ गया था, बाहर बहुत शोर हो रहा था तो मैं अंदर ही आ गया था बात करने के लिए। फिर मैं उनसे बात करने और उनको छूने का बहाना ढूंढने लगा। तभी मेरे पास एक आइडिया आया। मैंने उनका हाथ पकड़कर बोला कि आपका घड़ी बहुत अच्छा लग रही है मुझे। तो बोले कि लीजिए ना, ये आप ही का है। मैंने लिया तो नहीं, मैं तो बस छूने का बहाना कर रहा था। फिर उन्होंने मुझे पकड़ा, फिर मैं कहाँ रुकने वाला था। हम दोनों किस करने लगे, बहुत आनंद आ रहा था हम दोनों को। पर अगर हम लोग ज़्यादा देर यहाँ पर रुकते तो मुखिया अंकल के साथ जो 2 लोग थे
वो भी यहाँ पर आ जाते तो पहले मैं वहाँ से चला गया और कुछ देर बाद मुखिया अंकल भी आ गए। मैंने उन लोगों को खाना खिलाया, फिर वो जाने लगे। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था उनको जाने देने का, पर जाना तो था ही। शादी अब बीत चुकी थी और अब मुझको शहर भी जाना था, पर मेरी इच्छा थी कि शहर जाने से पहले एक बार बस मुखिया अंकल के साथ मैं संबंध बना लूं। हम लोग अब कॉल पर भी बातें करना शुरू कर दिए, पर मुखिया अंकल के साथ हमेशा कोई ना कोई रहता ही था, जिसके वजह से हम लोग मिल ही नहीं पा रहे थे। अगर उनको कहीं जाना भी था तो गाड़ी में ड्राइवर भी साथ ही रहता था, तो हम लोग चाह कर भी नहीं मिल पा रहे थे। और मुझे वापस शहर भी जाना था। मैंने मुखिया अंकल को बताया तो बोल रहे थे कि आप मत जाइए, अभी आपको देखने का मन करता है बहुत ज़्यादा, और आप तो जानते ही हैं मैं किसी न किसी बहाने से आपके यहाँ आ ही जाता हूँ आपको देखने के लिए। लेकिन अनिकेत करता भी तो क्या करता, अनिकेत तो मजबूर था, घर वाले बहुत बोल रहे थे बाहर जाने के लिए। आखिरकार मैं शहर आ ही गया। मुखिया अंकल कॉल किए, उनको पता था नहीं कि मैं शहर आ गया हूँ। वो कॉल किए, मैंने बोला कि मैं शहर आ गया हूँ, वो एकदम से उदास हो गए। वो थोड़ा देर तक तो कुछ बोले ही नहीं, बहुत उदास हुए वो। और फिर बहुत मुश्किल से मैंने उनको समझाया, और मैं वापस अब होली में वो गाँव जाने वाला हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे भी करके अब होली में मैं मुखिया अंकल से ज़रूर मिलूँगा। अभी हम हमारी डेली बात होती है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत मानते हैं। बस दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई कहानी के साथ। लव यू दोस्तों।